हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग की जो नोट ऐप होती है, बोल सकते हैं सैमसंग की जो नोट्स ऐप होती है, उसके अंदर एक नया अपडेट आया और कमाल के नए फीचर जोड़ दिए गए हैं। दोस्तों ये नए फीचर क्या है, कहाँ मिलेंगे, तो आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो उसकी मत करेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको जाना है अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाएंगे, माय अपडेट्स में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा सैमसंग नोट्स का नया अपडेट आया। अगर आपको वहां नहीं मिल रहा तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं और आपको वहां मिल जाएगा। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों ये नया अपडेट आया और ये कमाल के यहां पर नए फीचर जोड़ दिए गए हैं। लाइक सपोर्ट्स पीडीएफ रीडर मोड, सपोर्ट साइज ऑप्शन व्हेन अटैचिंग अ स्माइल, एंड सपोर्ट एंड्रॉइड एसओएस, और ये कुछ नए फिक्स बस किए गए हैं। तो ये रिसेंटली अपडेट आया है जो कि आप देख सकते हैं। अपडेट डेट यहां पर आया है 12 फरवरी को, आज ही के दिन ये मेरे पास अपडेट आया है। इसको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद सबसे पहले जो यहां पर फीचर दिया गया है वो बता देता हूं, सपोर्ट पीडीएफ रीडर मोड। मतलब कि अब इसमें आपको एक पीडीएफ रीडर का भी ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप कोई सी भी फाइल ओपन करते हैं पीडीएफ वाली, तो वहां पर आपको सैमसंग नोट्स का भी ऑप्शन मिलेगा उसको ओपन करने के लिए। कैसे, तो मैं इसके लिए आपको ले जाता हूँ यहाँ पर माय फाइल में। मैं अपने माय फाइल में ले गया हूँ और यहाँ पर मैंने एक पीडीएफ को अपनी ओपन करा। जैसे ही मैं पीडीएफ की ओपन करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक नया ऑप्शन मिल रहा है पीडीएफ रीडर का, जो कि पहले नहीं आता था। पहले सिर्फ आपको सैमसंग नोट्स का ऑप्शन आता था, अब आपको यहाँ पर एक नया ऑप्शन मिल रहा है पीडीएफ रीडर का। अब जैसे ही आप यहाँ पर पीडीएफ रीडर में क्लिक करेंगे, जो भी आपकी फाइल है पीडीएफ वो ओपन हो जाएगी और आपका जो भी डेटा है उसके अंदर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है एडिट का ऑप्शन, यहां पर दिया गया ऊपर टॉप पे आपको दिख रहा होगा। आप यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे एडिट पे तो आपको यहां नीचे बहुत सारे पेन्स मिल जाएंगे जो कि सैमसंग नोट्स में ही आपको मिलते हैं। आपको अगर किसी को कुछ करना है या कुछ लिखना है तो आप यहां पर कर सकते हैं। लाइक मैंने यहां पर उसको एक राउंड करके रख लिया, तो आपको यहां से इसका कलर चेंज करना है। अगर कलर चेंज करना है तो आप यहां से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये ऐसे वर्क करता है। और आपको उसको सेव करना हो तो सिंपली आपको उस पर सेव क्लिक करेंगे और वो सेव हो जाएगा। तो सबसे पहला जो चेंजेस ये है कि आपको यहां पर पीडीएफ रीडर का ऑप्शन दे दिया गया है। उसके बाद जो सेकंड दिया गया है वो है अटैचमेंट को लेकर। दोस्तों सेकंड फीचर के लिए आपको करना क्या है, यहां पर जाएंगे अपने मोबाइल के सैमसंग नोट्स ऐप में। नोट्स ऐप में जाने के बाद आपको यहां पर नीचे क्रिएट का जो ऑप्शन दिया आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपका क्रिएट का ऑप्शन खुल जाएगा। ऊपर आपको अटैचमेंट का ऑप्शन दिया जो कि पहले वर्जन में आता था, अब भी आपको मिल रहा है। आपको उस पर क्लिक करना है, इमेज पे क्लिक करना है और अपनी गैलरी में जाकर आपको एक अपनी इमेज को यहां पर इंसर्ट कर देना है। तो लाइक मैंने अपनी यहां पर एक फोटो को इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद आपको अगर इसको फुल स्क्रीन पे करना हो तो पहले क्या करना रहता था, आपको यहां पर एक एक करके यूं क्लिक करते थे और तब जाके यहां पर ये होता था। बट आपको यहां पर एक इंसर्ट एक नया ऑप्शन दे दिया गया, उसके लिए आपको यहां थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे। यहां पर आप देखेंगे आपको एक नया ऑप्शन मिल रहा है फिट टू पेज विथ, आप उस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो पूरे पेज की विथ पे आ जाएगा। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है। अगर आप वापस वैसा चाहते हैं आप उस पर क्लिक करिए, थ्री डॉट्स पे क्लिक करें और यहां पर आप रिसाइज टू डिफॉल्ट कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक जिस साइज पे था वो वहां पर हो जाएगा। तो ये ऐसे वर्क करता है, बहुत ही कमाल का फीचर दिया गया दोस्तों। जो थर्ड फीचर बताने वाला हूं वो भी बहुत कमाल का फीचर है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहां जाना है नीचे क्विक पैनल पे। क्विक पैनल पे आने के बाद आपको यहां पर थ्री डॉट्स पे एक एन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। एडिट बटन पर जाना है तो आप यहां पर देखेंगे आपको एक नया बटन मिल रहा है, आप बोल सकते हैं एक आपको नया टगल मिल रहा है जिसका नाम है क्रिएट नोट्स, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप उसको नीचे ट्रैक करके ले आएंगे तो ट्रैक हो जाएगा और यहां पर डन कर देंगे। अब इसका फीचर का काम क्या है, अगर आप किसी भी ऐप में हो और अगर आपको कोई नोट्स को बनाना है तो सिंपली आपको नीचे की तरफ ड्रैग करना है क्विक पैनल को, यहाँ क्रिएट नोट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये पॉपअप मेनू में खुल जाएगा और आपको कुछ भी लिखना हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चाहे तो आप इसको मल्टी विंडो में भी खोल सकते हैं या फिर बोलते हैं स्प्लिट स्क्रीन में कर सकते हैं या कहीं भी कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी करना हो तो कर लीजिए। अगर आप उसको बंद करना चाहें तो बैक कर देंगे तो ये आपका बंद हो जाएगा और यहाँ पर ही क्लोज हो जाएगा। वापस आपको कुछ याद आया और कुछ और करना है तो वापस आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वापस ये ओपन हो जाएगा। उसको सेव करना चाहें तो यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक करें और यहाँ से आप उसको सेव एज फाइल भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का ये फीचर दिया गया दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है उसमें मेरी वीडियो कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।